मान लीजिए कि आपको काम करना आता है, आप टेक्निकली बहुत स्किल्ड हो, लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपने 12th पास नहीं किया है या 10th भी पास नहीं किया है। सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए। आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है कोई, और आपने कोई इंटर्नशिप भी नहीं करी है, मतलब ऑन पेपर आपका पोर्टफोलियो बहुत खराब है। मतलब मैंने जितनी चीजें आपको आज तक बताई हैं आपके रेज्यूमे में डालने के लिए, उसकी 50% भी नहीं है आपके पास। फिर भी आपको कैसा लगेगा ये सुनकर अगर मैं बोलूं कि आपकी भी एक अच्छी जॉब लग सकती है बहुत बड़ी कंपनी में एज अ फ्रेशर? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत लोगों के साथ होता है, हर रोज होता है। इसी स्किल की आज हम बात करेंगे, जो आपके पास अगर हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज की लाइन लग जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस किस को चूज करूं। इस स्किल का नाम है नेटवर्किंग। ये कंप्यूटर वाला नेटवर्किंग नहीं है, टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। ये एक इंटरपर्सनल स्किल है जो आपको तभी हासिल होगी जब आप लोगों से बात करोगे, उनसे हेल्दी कनेक्शंस बिल्ड और मेंटेन करोगे। नेटवर्किंग का मतलब होता है लोगों से बातें करना, लोगों से बातें इनिशिएट करना, उनकी बातें सुनना, उनको अप्रिशिएट करना उनके काम के लिए, खुद की बातें शेयर करना, उनसे ओपिनियंस और इनसाइट्स लेना, बेसिकली टू वे इंटरेक्शन करना। एक फेक कंसेप्शन भी है कि आपको अनोनिमस रहना है, रैंडम लोगों से बात नहीं करनी है। प्राइवेसी अलग चीज़ है, वो अपनी जगह अच्छी है, लेकिन उसके चक्कर में आप सोशली रिटार्डेड और रिजेक्टेड बन जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं इसके बारे में घंटों घंटों बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ पर मुझे अपने कनेक्शन से बहुत हेल्प मिली है। और आप तो सोच रहे होंगे ये मेरे लिए कितना इजी है, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिलाकर 4 लाख से ज़्यादा फॉलोइंग है, हज़ारों लोगों से मैं रोज़ बात करता हूँ और मुझे सब जानते हैं, कितना सही है ना। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं कितना बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ अपनी लाइफ में, मुझे बहुत मुश्किल होता है किसी के साथ भी कनेक्शन मेंटेन करना, बट हाँ मुझे प्रोफेशनल कनेक्शंस की इंपॉर्टेंस पता है, तो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं अप्रोच करना सीखूं। अब ये स्किल आपको भी बनानी है अपने करियर के लिए, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो सोशल लाइफ का, लोगों से बातें करो, लिमिटेड ही सही बट ओपन रहो हमेशा कनेक्शंस के लिए, प्रोडक्टिव डिस्कशंस के लिए ओपन रहो। बुक्स और वीडियोस से आपको उतना पता नहीं चलेगा जितना आपको एक इंसान से पता चल सकता है। हजारों बुक्स हजारों आर्टिकल्स पढ़ लो, लेकिन उससे आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगी, एक्सपीरियंस नहीं। आप जिनको भी एडमायर करते हो, जिनसे भी आपको इंस्पिरेशन मिली है, जिनके थ्रू आपने पढ़ना चालू किया है, जिन्होंने आपको सिखाया है, आपका रोल मॉडल, उनसे स्टार्ट करो, उनसे बातें करो, उनको अप्रोच करो, उनको मैसेज करो, मतलब मेक श्योर कि डोंट स्पैम देम, उनसे स्टार्ट करो। अगर वो बड़े लोग होंगे तो शायद एक दो बार में रिप्लाई ना करें, बट ट्राई करते रहो, बट मेक श्योर यू डोंट स्पैम देम, उनका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि उनके पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है आपको केटर करने के लिए। मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऑफलाइन इवेंट्स अटेंड करो, बहुत अच्छे लोग आते हैं, बहुत बड़े काम कर रहे हैं और वहाँ से आप बहुत कुछ सीखोगे। सेमिनार्स होते हैं, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं रेगुलरली, कुछ इवेंट्स तो इसके लिए ही होते हैं ताकि आप नेटवर्क कर पाओ। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, अपनी रिसर्च शेयर करते हैं, टॉक्स देते हैं, उनकी टॉक के बाद उनके पास जाकर उनसे बात करो, उनके काम को अप्रिशिएट करो, उनको थैंक्स बोलो, अच्छा लगता है उनको सुनना। फिर अपने बारे में बताओ, मेंटरशिप मांगो, गाइडेंस मांगो, वो जो आपको बताएंगे ना वो रियलिटी होगी जो आपको 10 आर्टिकल्स में नहीं मिलेगी। एक बार आपने पर्सनली मिल लिया तो काफ़ी लोग और भी होंगे जिनसे वो मिलते होंगे, तो शायद आपका नाम याद न रहे लेकिन आपका चेहरा ज़रूर पहचान जाएंगे। तो ऑनलाइन जाओ, फिर लिंक्डइन पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आज जाकर अकाउंट बनाओ और उनको फॉलो करो लिंक्डइन पे, कनेक्शन बनाओ। और हमारे फील्ड में ऐसे दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको एक्टिव रहना है कम्युनिकेशन और करियर के लिए, ट्विटर और लिंक्डइन, तो दोनों पर आपको एक्टिव रहना है, अकाउंट बना लो। मैं बताता हूँ इस स्किल के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा नॉलेज एक्सचेंज। आप अगर बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको फैक्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इंसान से बात करोगे तो आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताएगा, वो अपनी लाइफ स्टोरी बताएगा, एक्सपीरियंस बताएगा, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे सॉल्व किया उन्होंने, आज जहाँ पर है वो कैसे पहुँचे हैं, और आप उनसे इंस्पिरेशन लेकर उनसे भी बेटर बन सकते हो। फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, फ्यूचर में क्या सही है करना, कौन सा स्कोप, कौन सा करियर ट्रेंड पे है, कहाँ पर जाना चाहिए, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए और क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, आप सब कुछ पूछ सकते हो। मुझे भी कितने सारे मैसेजेस रोज़ आते हैं, हज़ारों मैसेजेस आते हैं जो टेक्निकल नहीं होते हैं, उनको गाइडेंस चाहिए जो आपको गूगल से नहीं मिलेगी, जो चैट जीपीटी नहीं दे सकता, ट्राई कर लो। अब मैं भी लिमिटेड लोगों की हेल्प कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई टाइम, बट वो जिनकी मैं हेल्प करता हूँ वो महीनों सालों बाद आकर मुझे बोलते हैं कि आपकी एडवाइसेस से आज हम इतनी बड़ी कंपनी में ये काम कर रहे हैं और उनके एग्जाम्स क्लियर हो रहे हैं, उनका करियर सेट हो रहा है, जॉब लग रही है, बिजनेस बन रहा है, तो काफ़ी खुशी होती है। सेकंड है कोलैबोरेशन। आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जिनमें आपको लोग चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, कहीं फंस चुके हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो जो लोग इस टॉपिक पर एक्सपर्ट हैं उनसे बात करो, उनको अंदर लेने का ट्राई करो कि उनके साथ आप काम कर पाओ।
इसको बड़े लेवल पर सोचोगे तो एज अ फील्ड साइबर सिक्योरिटी एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक टीम एफर्ट है। तो जब लाइक माइंडेड लोग साथ आ जाएंगे तो कुछ रेवोल्यूशनरी प्रॉब्लम का आइडिया सोल्यूशन निकल सकता है। मुझे भी आज काफ़ी ब्रांड्स अप्रोच करते हैं क्योंकि मैं उन्हें अटेंशन देता हूँ, उनको पता है कि मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए मैं फिलहाल खुद उनके पास नहीं जाता, वो सामने से अप्रोच करते हैं क्योंकि आई हैव अ गुड नेटवर्क, वरना वो क्यों ही प्रमोट करवाएंगे। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अप्रोच करती हैं सेशंस और टॉक्स के लिए क्योंकि एक इमेज बन चुकी है कि आई प्रोवाइड वैल्यू। तो आप अपनी फ्रीलैंसिंग के लिए लीड्स ढूंढ सकते हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ गुड नेटवर्क। थर्ड है रेफरल्स। आई थिंक ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फॉर अ बिगनर या फ्रेशर। मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैं जॉब ढूंढ रहा था तो मैं लिंक्डइन पर बहुत एक्टिव था, मैंने बहुत सारे जगह बहुत कंपनीज में 100+ कंपनीज में अप्लाई किया था नॉर्मली ऑनलाइन। आई थिंक सिर्फ 20 या 25 जगहों से मुझे रिप्लाई आया था। हर पोस्टिंग पर हज़ारों एप्लीकेशंस थे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो मुझे पता था कि शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बहुत कम है और मुझे ये पता था कि रेफरल्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं मेरे जो नेटवर्क्स हैं उनका यूज़ करके जो भी मुझे ओपनिंग दिखती थी कंपनीज़ में, मैं उनको ढूंढता था मेरे कनेक्शंस पे जो वहाँ काम कर रहे हैं उस पोजीशन में, उस टीम या डिपार्टमेंट में, उनको इन मेल करके उनके रेफरल्स रिक्वेस्ट करता था। बाकी मैंने एक पब्लिक पोस्ट भी डाली थी डेट आई एम फाइंडिंग अ न्यू जॉब और काफ़ी सारे हायरिंग मैनेजर्स के मुझे मैसेजेस आए और ऐसे काफ़ी दोस्तों को भी बोलकर रखा था कि इफ़ यू हैव एनी रेलिवेंट ओपनिंग फॉर मी जस्ट लेट मी नो। अब इसमें मैं आपको बताऊं तो रिवर्ट रेट ऑलमोस्ट 90% से ऊपर था। जब मैंने ऑनलाइन नॉर्मली अप्लाई किया था तो इट वॉज ओनली 10-20%। यू कैन सी द डिफरेंस। और आज जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो एक फ्रेंड के थ्रू ही हुई है जिससे मैं कम्युनिटी के थ्रू मिला था। और ऑफकोर्स इंटरव्यू प्रोसेस चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है, वो तो ऑफकोर्स आप अपनी स्किल्स के थ्रू ही क्लियर करोगे। रेज्यूमे डालने के बाद शॉर्ट लिस्ट होना और इंटरव्यू कॉल्स आना बहुत मुश्किल होता है और यही सबसे बड़ा फ़ायदा है रेफरल्स का। रेफरल्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एम्प्लॉय का ट्रस्ट होता है। वो एक अलग चैनल होता है जहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम होती है। ऑटोमेटिकली जो आपको रेफर कर रहा है वो एक आवाज़ उठा रहा है आपके लिए, आपको वाउच कर रहा है। तो आप एक VIP लाइन पर जाते हो और भले ही आपका रेज्यूमे इतना स्ट्रांग ना हो लेकिन फिर भी उसको प्रायोरिटी मिलती है। फोर्थ इज सॉफ्ट स्किल्स। आप किसी भी जगह प्रोफेशनली काम करो, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप कितनी भी टेक्निकल नॉलेज रखते हो, PhD कर लिया हो, सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन हैक कर सकते हो, अगर आपको अपनी बात सामने वाले को समझानी नहीं आती है तो सब बर्बाद है। जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करोगे उतना आपको समझ में आएगा बात कैसे की जाती है, हाउ टू पुट कम्युनिकेशन अहेड। डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, VP, CEO, उनकी कम्युनिकेशंस ऑब्जर्व करो, उनके जेस्चर्स, उनके पोस्चर्स, कितने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं वो। लोगों को कन्विंस करने का आर्ट, नेगोशिएशन स्किल्स, यही बिजनेस बड़ा करने में हेल्प करती हैं। बिना इसके तो आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको बस समझाना आना चाहिए, अपनी बात रखनी आनी चाहिए और इतनी स्किल रखो एटलीस्ट कि आप कोई भी सिक्योरिटी कंसेप्ट एक नॉन टेक इंसान को समझा पाओ इन सिंपल वर्ड्स। फिफ्थ इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कम्युनिटी से कि आप साइबर सेक में जुड़े हुए हो। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सर्वर्स हैं सोशल मीडिया पर, किसी अच्छे प्रोफेशनल को ही फॉलो कर लो जिसकी बहुत फॉलोइंग हो, तो आपको आगे किसको फॉलो करना है ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कितना कुछ शेयर होता है ग्रुप्स में, लोग रिसर्चेस शेयर करते हैं जिन्होंने खुद करी है, नॉलेज शेयर करते हैं, टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूज़ और अपडेट्स और ट्रेंड्स बताते हैं, नई नई ओपनिंग्स मिली हैं इंटर्नशिप की या जॉब की वो शेयर करते हैं। मैं खुद रेगुलरली लाइव आता हूँ, अपनी लर्निंग कम्युनिटी से इंटरेक्ट करता हूँ, उनकी बातें, उनके डाउट सॉल्व करता हूँ, गाइड करता हूँ चैट पर, यूट्यूब पर लाइव आता हूँ। ऐसे मुझे मौका मिलता है आप लोगों से जुड़ने का ऑन अ पर्सनल लेवल। बट हाँ, हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता, हर कोई प्रोफेशनल नहीं होता, तो इस चक्कर में आपको एक बात याद रखनी है कि चूज़ योर कनेक्शंस, चूज़ योर आइडल्स वाइजली। मैंने हमेशा बोला है कि ऐसे लोगों को फॉलो करो कि जिन्होंने कम्युनिटी में कुछ अच्छा काम किया है और उनका काम आपको दिख रहा है, सबकी हेल्प करते हैं वो, और वो आज उस स्टेज पर हैं जहां पर आप आगे पहुंचना चाहते हो। बट हाँ, स्पैम मत करना प्लीज़ प्लीज़ करके, सर हेल्प मी, बट ये सब मत करना, हमेशा प्रोफेशनल रहो। और ऑफ कोर्स आपके भी बडीज़ होंगे, पीयर्स होंगे जो आपके जैसा विजन रखते होंगे, तो सेम विजन अलाइन करते हो तो प्लीज़ उनके साथ रहो, उनसे कनेक्शंस बनाए रखो। और प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो जो डीमोटिवेट करते हैं, मिसगाइड करते हैं, अचीवमेंट्स को फेक करते हैं या अनइंटरेस्टेड होते हैं किसी भी डिस्कशन के लिए या किसी काम के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तो लोगों को पहचानना भी एक स्किल होती है, तो हमेशा ईगर रहो कम्युनिकेशन के लिए,
अच्छे लोगों से सीखते रहो, उनको सिखाते रहो। एक टिपिकल हैकर बनने की कोशिश मत करना, आपकी पर्सनैलिटी तभी इम्प्रूव होगी जब आप लोगों से बात करोगे और वो आपको जानेंगे। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये स्किल, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो बहुत आ जाएंगी आपको, लेकिन ये सारी स्किल्स बताना और सिखाना हर कोई नहीं करता है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंस आपको समझ आई। शेयर करो अगर आपको लगता है बाकियों को भी ये जानना चाहिए। सब्सक्राइब कर दो नहीं किया अभी तक तो, क्योंकि फ्री होता है। और अगर आपको एथिकल हैकिंग स्क्रैच से सीखनी है बिगिनिंग एकदम स्टार्टिंग स्टेज में, तो मैंने कोर्सेज बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर दो। मेरी खुद की वेबसाइट है, ऐप है, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ हैं ऑन डिमांड, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो लाइफ टाइम एक बार परचेस करने के बाद। और बहुत सारी स्किल्स आप सीखोगे जो इंडस्ट्री में मुझे काम आई हैं, अपनी जॉब में बहुत सारे लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं और OSCP CH क्लियर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ, एंड बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।